इकाई 3 मत बांटो इंसान को कविता। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डिजिटल क्लास के अंदर आप सबनो हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने आज धोरण 8 मा काव्य नंबर 3 मत बांटो इंसान को काव्य ने बात करवानी है। तो मित्रों, आ काव्य के अंदर के आ कविता के अंदर आ विनय महाजन इना कवि छे। तो विनय महाजन एक सरस प्रकारनी बात करी छे के मनुष्य आपणे मनुष्य छे अने मिलजुल कर बधा साथे हळी पड़ीने रहेवानी बात आ विनय महाजन करे छे। कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी कोई भी धर्मना लोग होय बधा धर्मनी साथे हळी पड़ीने रहो एमां आपणी भलाई होय छे। तो आ विनय महाजन सरस्वती बात मनुष्य ने जब कोई पण मनुष्य ने कहू छे के तमे आ भगवान ना ભાગલા ના પાડો અને તમે સાથે બધા હળી મળીને રહો એનો આનંદ એક અનેરો હોય છે। તો આ કવિતાની અંદર કે મનુષ્યની અંદર ભેદભાવ તો તમારે આપણી અંદર કોઈ દિવસ ભેદભાવ નહીં રહે, ભેદભાવ પડશે પણ નહીં કે જો આપણે જ ભેદભાવ પાડે મનુષ્ય જ છે। મનુષ્ય આ અનેક પ્રકારના ભેદભાવ પાડે છે કે તમે મુસ્લિમ છો, તમે હિન્દુ છો, તમે શીખ છો, ઈસાઈ છો, તો મનુષ્ય આના ભાગલા પડતા હોય છે કે ભગવાન કદી કોઈને એવા ભાગલા પડતા નથી અને ઈશ્વર ભગવાન તો બધા એક જ છે। તો હળી મળીને રહેવાથી આપણા અંદર આનંદ ગાય રહેશે અને હળી મળીને રહેવાથી આપણને લાભ પણ થાય છે। તો આ ભેદભાવ ભૂલીને બધા જ પ્રકારના જે ભેદભાવો છે એ ભેદભાવ ભૂલીને એકતા બધા એક સાથે એકી નજરે બધા સાથે આ સંસારની અંદર તમે દેખાવ અને આ સંસારમાં પણ તમે બધા હળી મળીને બધા જ ભગવાનની સાથે રહો એમાં આપણો આનંદદાયક હોશે એમ આ ઉપદેશ આપતી કે સાથે રહો તો મજા આનંદ કરો એટલે એક આ ભેદભાવ ઉપર કોઈ પણ ભેદભાવ ન પાડો તો ઉપદેશ આપતું એક આ કાવ્ય છે વિનય મહાજને આ સરસ્વતનો આ કાવ્ય લખેલું છે અને આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની એકતા મિલજુલ કર સમાનતા બધા ગુણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો આપે આ જો જોઈએ કાવ્ય આ કાવ્યની અંદર કેવી વાત કરવામાં આવી છે ઈસ કવિતાને વિનય મહાજન જીને મનુષ્યનો મિલજુલ કર રહેણી કરવા દીધી મનુષ્ય કહ્યું છે તો બધા જ સાથે હળી મળીને રહો એની પ્રેરણા આપી છે। મનુષ્ય તો કિસી ભી ભેદભાવ મે નહીં ઉપરના ચાહે મનુષ્ય કહે છે તો તમે બધા મનુષ્ય કોઈ કોઈ પણ જગ્યાએ કે ભેદભાવમાં પડવું જોઈએ ભેદભાવ પાડવા જોઈએ નહીં। હવે સભી ભેદભાવ કો ભૂલા કરે એકતાની કી દ્રષ્ટિ સે ઈ સંસાર કો દેખના ચાહે हमें बताए हमें सभी आपने बताए आप भेदभाव ने आप भूले नहीं एकता की दृष्टि एक एक नजर बदल सकता संसार की अंदर आपने जो बात मानिए चाहिए यह प्रकृति भी हमें निरंतर सही उपदेश देती आ प्रकृति बन अपने आ निरंतर सतत चलती आती आ कवि ने जो एक उपदेश आपला आगो छे इस कविता में एकता मिलजुल कर સમાનતા આદિ મૂલ્ય સમાવિષ્ટ છે કે આ કાવ્યની અંદર કે એકતાનો ભાવ મિલજુલ કર રહેવાનો ભાવ સમાનતાનો ભાવ આ બધા ભાવ આ કાવ્યમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે આ કાવ્યનું પઠન શ્રવણ કરી લઈએ ત્યારબાદ આપણે કાવ્યની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીશું। તો જોઈએ આ કાવ્ય વાટો ઇન્સાન કાવ્યનો વિડિયો। ધ્યાન સે કવિતા સુનિયે। घर ने बांट लिया भगवान को मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट लिया भगवान को धरती बाटी
सागर बाटा धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को मजबूर है मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील नील वितान है पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को अभी प्यार जल देना है हर प्यासी चट्टान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मौसम की मुस्कान को रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मंदिर मस्जिद घर ने बांट लिया भगवान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मत बाटो इंसान को मत बाटो तो विद्यार्थी मित्रों तुमने मजा आई से सरस मजा एक काव्य से काव्य लाभ पर तुमने आवड़े हो तो तुम्हें आ काव्य वीडियो जो है तो तुमने आ काव्य से तुमने गाव पर अमन
થઈ ગયો છે તો ચલો મારી સાથે આપણે આ ગીતનું એકદમ ગાન કરીએ પછી આપણે કામની સમજૂતી મેળવીએ તૈયાર છો મિત્રો મારી સાથે તમે આ ગીત ગાતા રહેજો ચલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ મંદિર મસ્જિદ ગિરજાઘર ને પાટિયા ભગવાન કો धरती बाकी सागर बांटा मत बांटो इंसान को अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है मिलान सूरज का संदेशा घर काटी मैदान को धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को अब भी हरी भरी धरती है ऊपर मिलती तान है मन पर प्यार हो जा तो जब सुना जलता रेगिस्तान है अभी प्यार का जल गिरना है हर प्यासी चट्टान को धरती बाटी सागर बाटा बाटो इंसान को साथ उठे सब तो बहरा हो सूरज का हर द्वार को हर उदास आंगन का हो खिड़की हुई बार को रौनक पाए काबिल कोई मौसम की मुस्कान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को समझूती। इस कविता में कवि इंसान को बांटने से मना करते हैं। कवि कहते हैं कि आज लोगों ने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देश बनाकर दुनिया का भी बंटवारा कर लिया है। सागर का पानी तो एक ही है, उसके बावजूद उसमें भी सीमा तय करके उसे भी बांट लिया है। अब इंसान को तो मत बांटो, उसका बंटवारा नहीं करना चाहिए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। समझूती। समता और समानता का भाव सब में जगाने की शुरुआत अभी हुई है, इसकी मंजिल तो बहुत ही दूर है। हमारा लक्ष्य तो सब में समानता की भावना पैदा करना है। अमीरों के महलों में ही बिजली के दिए जलते हैं, गरीबों को तो अभी भी तेल के दीपक ही जलाने पड़ते हैं। अभी भी सूरज का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है, अर्थात सूरज रूपी समानता का प्रकाश सभी जगह नहीं पहुंचा है। इसीलिए धरती और सागर तो बांट लिया है, पर इंसान को तो मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। समझूती। आज भी धरती हरी भरी है, ऊपर नीले गगन का पूरा अवकाश यानी के आकाश फैला हुआ है। अगर दुनिया में लोगों के बीच प्यार ही नहीं होगा तो यह जग जलते हुए रेगिस्तान की तरह सूना लगता है। हमें प्यार के प्यासे हर इंसान को प्यार का जल देना है, दुनिया के हर एक भाग यानी चट्टान को प्यार के जल से भिगो देना है। लोगों ने धरती बांट ली, सागर को भी बांट लिया, अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा
मत बांटो इंसान को। समझूती, सब लोग साथ मिलकर समानता के लिए अपने द्वार खोल दें तो सबको समान रूप से समानता के सूरज का प्रकाश मिल सकता है। हर आंगन को समान रूपी बहार का हक है। समान रूपी बहार से हर आंगन में खुशी छा जाएगी, फिर कोई भी तूफान इस आनंद भावना को नहीं मिटा पाएगा। सब समानता से रहेंगे, लोगों ने धरती बांट ली, सागर भी बांट लिया है, इंसान को कभी भी बांटना नहीं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। विनय महाजन कहिया सुनो, कि मंदिर मस्जिद आ गिरजा घर बदुन माटिया हुआ पर भगवान ने भागला पर जैसे कि मुस्लिम तुम्हारा हिंदू ना आ सिख ना पारसी ना ईसाई ना के मंदिर मस्जिद गिरजा घर के आवरण पर भागला भगवान ने भागला पढ़ ले जैसे धरती माटी सागर पाटा मत बांटो इंसान को। तो धरती ना पर भागला आपने पढ़ ले जाए चीन को सागर ना सागर दरियो सागर ना भागला पर आपने पढ़ ले जाए चीन मत बांटो इंसान क्या मन मनुष्य ना मनुष्य कैसे मत इंसान को मत बांटो इंसान मनुष्य ने प्रेरणा आप ले उसे तब कोई ना भागला न पाड़ो के बदला साथे हड़ी मरे में रहो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल डटी दूर है। अभी राह वो तो अभी राह तेरे रास्ता पार है, तो रास्तो शुरू थे उसे मंजिल डटी दूर। मंजिल है तो दे नीचे मंजिल और लक्ष्य, तब लक्ष्य तो अभी बहुत दूर से गए, अभी तो आरस्तो शुरू थे उसे गए, अभी तो वो लक्ष्य बहुत दूर से उच्चारा महलों में बंदी उच्चारा उच्चारा क्या है एक प्रकार की उच्चारा रोशनी क्या रोशनी आ महलों के अंदर मुरमरा बंगला हो कि मुरमरा घर हो आप ट्रेन में जिए से तो ये प्रकाश क्या आप घर के अंदर आते हो नहीं क्या उच्चारा बंद बता हुआ है क्या बार बार बंद हुआ है घर में सूर्य का प्रकाश आते हो नहीं होता उच्चारा महलों में उजिया बड़ा बड़ा महलों के अंदर तो प्रकाश बहुत हो रहे हैं हर दीपक मजबूत है हर बदार दीपक दीपक दीवा बदार दीवा अपना मरे मनुष्य मरे मजबूत छे तो लेकिन तुम कोई नहीं का भागला न पाओ मिलाने सूरज का संदेशा हर घाट की मैदान को मिलाने सूरज का तुमने नहीं पढ़ा सूरज का संदेश क्या अपने जीवन से थोड़ा बड़ा बैठने का बस सुता हुआ आप पर खबर पड़ती है ना कि सूरज उगो के नहीं पर ये सूरज उगे क्या है आप ये जो ही है क्या है आप खबर पड़े से कहने प्रकाश क्या आप अपना घर के अंदर पड़े से क्या है आप खबर पड़े से सूरज उगी गयो से पर घर ना बाहर बाहर में कोई बंद हुआ तो सूरज उगे क्या है आप अपनी खबर पड़ती नहीं है ना बिना ना सूरज का संदेश है तुमने ये संदेश हो सूरज तो मरियो नहीं हर घाटी मैदान हर घाटी मैदान बाग बाग बगीचा धरती माटी सागर माटा मत पाटो इंसान धरती ना भागला पाड़ दीदा छे सागर ना भागला पाड़ दीदा छे अने हवे तमे आ मनुष्य ने तमे भागला न पाड़ो एनी वात आ विनय महाजन आ मनुष्य ने कही रह्या छे मनुष्य ने अंदर कोई पण प्रकार ने आ भेदभाव ने ए भेदभाव तमे न पाड़ो के अब भी हरी भरी धरती है अब आ तो यम यहां तो है आ हरी भरी सुनी लागे छे કે આવ આપર કે મળતું નથી જલતા રેગિસ્તાન જલતા રેગિસ્તાન કે રણ મેદાન જો આપણે આપતું હશે અહીંયા તો આપણે સસ્તાની કે આવી
हरी भरी लीली सम आ धरती से ऊपर वाली आकाश से जो आप तो आपने आप प्यार आप न पड़े हो तो अब तो आप बने आ जग आ विश्व बने अब तो शुरू से अब तो आप आ धर्म नदान जो हुआ लागे थे अभी प्यास का जन्म लेना है अभी प्यास के आगे कोई पर घर में छोड़ो वाली तो छोड़ो नहीं अंदर अब पानी में से तरह के छोड़ धीरे धीरे विकसित हो जाए बीजा के नवा जो पान मुक्त हो जाए से अरे पांदरा बट्टा का जैसे ना विभाजन हो जाए से कि अभी प्यार का जन्म लेना है हर प्यास की चट्टान को चट्टा चट्टा मतलब कि शिलाखंड बड़ा पत्थर तो मोटो पत्थर हो शिला कण और शिला हो पत्थर के अधिक हर प्यास की चट्टान को अभी प्यार का जन्म लेना है पानी में पानी देवों से एक चट्टान मोटी शिला है धरती माटी सागर पाटा मत पाट को इंसान तो धरती ना तो भागला पड़े छे सागर ना पड़े तो भागला पड़ दिया छे और आवे मनुष्य ना तो भेदभाव ना भागला न पाड़ो एक मनुष्य ने कहा प्रेरणा आप भी कहा कहा जो विनय महाजन ने कहे छे सात उठे सब तो पहरा और सूरज का हर द्वार पर सात उठे कब है सात उठो सब तो पहरा हो सवार उठी तुम आ मैदान में अंदर को बाप बगीचा के अंदर जाओ सूरज का हर द्वार पर तो सूरज जिया प्रकाशित तेनो अंजवाओ पाथरे रहे छे तो जिया के में जाओ हर उदास आंगन का हक हो अवदार उदास आंगन उदास आंगन से आ आंगन में जाओ बड़ा हक से खिड़की हुई बाहर क्या खिड़की हुई अकलिया क्यों कुदरत से पड़े आप बगीचा के अंदर जाइए बगीचा के अंदर सवार का खिलता है सूरज का प्रकाश हो सूरज का किरण का प्रकाश एक फूल पर पड़ता हो से क्या सरस जना फूल है सुशोभित जाता हो से केसरी गुलाबी सफेद बजा किरणों का फूल हो जाता है तब का फूल हस्त जना को हो से पर एक फूल ने खबर को हो से तुम्हारे सांझे करवा हो से पर के सवारे सूर्य का किरण पड़ता है एक फूल क्यों हस्त अपने ये दिखाते हुए से એને એના આ રહેલી જે સુવાસ બધું જ આપણને આપતું હોય છે તો એ ઉદાસ આવા આંગણ હોય છે કે આવા જે ફૂલને જે બનો પણ આપણે ખબર છે મનુષ્ય કે એક વાર આપણા આ ધરતી ઉપર આપણો જન્મ થયો છે તો આપણું મૃત્યુ એક વાર આપણું નિશ્ચિત છે તો આપ સાથે બધા સાથે હળી મળીને સાથે આનંદથી બધા સાથે રહો એ ભાવના એક પ્રેરણા આપતું એક કાવ્ય છે રોંધ ને પાયે કાપી કોઈ રોંધ રોંધ ને પાયે કે રોદના પૂછણ કે કોઈના ભેદભાવ ને કોઈ આપ પૂછડો ને કોઈ અવગણના કરો ને બોલ રોદના પાયા કે કોઈ તો કોઈ કે આપ દૂર ન ઈચ્છી કોઈ ને આપ કોઈ વાત ખરાબ ન કરી કોઈ ને આપ પૂછો છો કે આપ ધમકાવશો ને કોઈ આપ વર્ષો ને એની વાત છે મોસમ કે મુસ્કાન કે મોસમ જે આ મુસ્કાન ને જે તમે વર્તન કરો ધરતી માટી સાગર માટા મત વાળો धरती ने भागला पड़ दिया है सागर ने भागला पड़ दिया है तो या मत मारो मनुष्य ने तुम्हें मनुष्य ने भागला तुम्हें न मारो ये हे मां विनय महाराज क्या मनुष्य ने सीख आपको एक प्रेरणा आपको एक काव्य से तो मनुष्य अंदर अनेक प्रकार के भेदभाव जो मन से कि आप भेदभाव आपने पाड़ी है पर एक भेदभाव अटकवाने का आप तो छे आपने जो भेदभाव न पाड़ी तो बड़ा साथ हड़ी पड़ी रही है કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ નહીં પડે પણ ભેદભાવ પાડે છે પણ આપણે પાડે છે ભગવાન બુદ્ધ આપણે આ જન્મ આ ધરતી પર આપણો અવતાર ધારણ થયો ભગવાન આપણને આ ધરતી પર મોકલે છે તો બધા જન્મ તો બધા સરખા જ છે મનુષ્ય બધા મનુષ્ય જ છે પણ આ ધરતી ઉપર આપણે મોટા થઈ અને બીજાની કુકોદરી કરી બીજાની અવગણના કરી કોઈના દુશ્મની કરી એ બધું કોણ કરે છે આપણે કરીએ છીએ પણ આ બધું બંધ કરવાની વાત કોઈ સોલે જોડે ભેદભાવ રાખો ને બધા સાથે ભળી પડીને રહેવું એક સમાનતા જળવાઈ રહે છે અને એકતા સાથે એકતામાં તાકાત ભરી હોય છે કોઈ પણ આપણે એકલા હોય કે આપણે ભર પાંચ વર આમ બચાવ હોય તો એ બચાવ આ પાંચને હરાવી દે છે એ પાંચના એ મૃત્યુ ત્યાં બધા પાંચને મારી નાખે છે બચાવે તો પૂરા બચાવ એકતા છે કેમ આપણે એકતા ભાવ પર એ એકતા હોય તો આપણે એ ઉડી શકીએ છીએ ને આપણે મજબૂત છીએ કે આપણે હિંમતથી
आप रह सके एकता की भावना दर्शाती काव्य बड़ा साथ आड़े पड़े दो तो जीव कार्य जाचा हाथ रड़िया में ये क्या है एवं छे जाचा हाथ से ये रड़िया का काम से जाचा हाथ काम करे तो साव दीपी उठे मतलब एकला काम करे तो टूटी जसो तो एकला की एक काम सत्य नहीं था जाचा हाथ से तो ये काम करो तो करू का काम करसो तो काम जाजो देखा से चाचा रड़िया में ये काम से लगे एकता में रो साथे बड़ा हरी मोरे रो आनंद की लोग करो इमाज आपको संसार के अंदर आ दिव्या है क्या बोल मनुष्य होता है आ धरती ऊपर आप उतर उतर जाए से तो सारे कार्य करो सारे कर्म करो यदि आ सृष्टि के अंदर क्या बोल जे अवतार धारण किए से भगवान आप लोग आ अवतार यदि आप आ भरती से सारे कर्म करिए छे तो विद्यार्थी मित्रों आप यहाँ बजाय साथ हरी मोरे के ऐसी एकता की भावना दर्शाओ अब बता दो समानता था बता भाव एक अच्छे बता साथ हरी मोरे के ऐसे के आ काम के अंदर आ बता भेदभाव पैरा के ना बता हरी मोरे के व्यवहार पैरा आप ऐसे आप मनुष्य से मनुष्य जो आप मनुष्य बुद्धि कर चुके मनुष्य बुद्धि ताकत चुके मनुष्य बुद्धि कर सके चुके तो एम आपने पर बता सारे हरी मोरे के ऐसे तो आपने पर साथ आप संसार के अंदर पर बता साथ एकता समानता अनुभव हरी मोरे के व्यवहार भाव लागण अपने प्रकट थी रहे तो विद्यार्थी मित्रों अँ आ काव्य पूरु करे तो आ काव्य प्रश्न है ये काव्य प्रश्न आप मेरी नोटबुक अंदर सारा अक्षर नक्की प्रक्रिया करूँ अस्तु आभार जय।